हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल 5D स्टडी। आज की वीडियो में हम अलजेब्रा का फोर्थ चैप्टर प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी हम एमसीक्यूज के साथ पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम प्रोबेबिलिटी के। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या रहता है, हमारी जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो क्या रहती है, हमेशा जीरो और वन के बीच में लाइज करेगी। जीरो मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, वो इम्पॉसिबल, मीन्स एम्प्टी भी बोल सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारे पास जो है वो नेचुरल नंबर लेस देन जीरो। हमें पता है नेचुरल नंबर जो है हमारा स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है वन से। मीन्स हमारी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो जीरो प्रोबेबिलिटी रहेगी या इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी रहेगी। एंड वन वन मीन्स क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 100% हम बोल सकते हैं, ये 100% हमारी प्रोबेबिलिटी रहेगी। मीन्स एकदम श्योर रहेंगे कि ये होगा ही होगा। एंड 0% मतलब, एंड जीरो मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 0% प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है, जीरो और वन के बीच में ही रहती है। ना लेस देन अगर जीरो रही तो भी मीन्स हमारा प्रोबेबिलिटी जो है वो रॉन्ग है, और अगर ग्रेटर देन जीरो जैसे 1.5, 1.2 समथिंग ऐसा भी कुछ रहा तो भी हमारा जो प्रोबेबिलिटी रहेगा वो भी क्या रहेगा, वो रॉन्ग हो जाएगी। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन में क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन अ डाइस थ्रोन। मीन्स हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है अगर हमारे पास एक डाइस थ्रोन होगा। तो हमको पता है हमारे पास, हम सैंपल लिख लेते हैं, सैंपल सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर एक डाइस थ्रोन होता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमको पता है जो हमारे पास डाइस में नंबर रहता है वो कितना रहता है, 1 to 6 रहता है। हमने लिख दिया 1 से लेकर 6 तक नंबर। नाउ क्या बोला है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है अगर हमारे पास डाइस थ्रोन हो और नंबर कैसा हो, इवन हो। तो हमारे पास इवन नंबर कितना है, यहाँ पे 2, 4 and 6 मीन्स हमारे पास इवन नंबर यहाँ पे कितना है, इवन नंबर 3 है। एंड अपॉन में जो आता है वो क्या होता है, हमारा सैंपल सेट होता है, मीन्स हमारा ये आ जाएगा टोटल नंबर 6 है। इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का, मतलब ये जो हमारे पास इवेंट जो अगर होगा, इसे हम इवेंट बोलते हैं, जो इवेंट अगर होगा अपॉन क्या हो जाएगा हमारा सैंपल सेट, यानी मेन्स हमारे पास जो सैंपल सेट है या मेन प्रोबेबिलिटी है उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाती है, अपनी प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। नाउ 3/6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2। अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5। 0.5 क्या है, ग्रेटर देन जीरो है एंड लेस देन वन है। मीन्स हमारी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी या प्रोबेबिलिटी का आंसर आएगा वो करेक्ट है, लेकिन यहाँ जो है वो अपॉन में पूछा है तो हम अपॉन में ही आंसर देंगे, यानी हमारा ऑप्शन बी जो रहेगा वो क्या रहेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अब देख लेते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू टेल्स व्हेन टू कॉइंस आर टॉस्ड। मीन्स हमारे पास कितने कॉइंस टॉस हुए हैं एट ए टाइम, 2 कॉइंस। तो हमें पता है सैंपल सेट क्या रहेगा, 2 कॉइंस टॉस हुए मीन्स 2H, TH, HT and TD। ये हमने क्या किया, अपना सैंपल सेट लिख लिया, यहाँ लिख देते हैं ये क्या है, ये हमारा सैंपल सेट है। नाउ क्या बोला है उसने कि कितने कॉइन, 2 कॉइन टॉस हुए हैं। हमें प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, 2 टेल्स की, मीन्स एट ए टाइम कितने टेल्स आने चाहिए, 2 टेल्स आनी चाहिए। मीन्स हमारे पास कितने हैं, 2 टेल्स वाली कंडीशन एक ही है, हमने यहाँ लिख दिया TT, हमारे पास एक ही कंडीशन है। एंड हमारे पास सैंपल सेट कितना है, हमारे पास सैंपल सेट जो है 4 है, हम यहाँ लिख देते हैं 4, यहाँ आ जाएगा 1। हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करेंगे, जो इवेंट अकर हुआ है अपॉन हम क्या करेंगे, सैंपल सेट को डिवाइड कर देंगे। यहाँ लिख देते हैं इवेंट कौन सा, एक ही बार अकर हुआ है, मीन्स एक ही बार इवेंट आया है हमारे पास, अपॉन सैंपल सेट कितना है हमारे पास 4, हमने यहाँ लिख दिया 4। मीन्स हमारी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, 1/4। अपने थर्ड क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज अ प्राइम नंबर इफ 2 डाइस आर थ्रोन। मीन्स हमको अगर 2 डाइस थ्रोन करना है तो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद के टेबल से डिवाइड हो, लाइक 2, 3, 5, 7, 9 नहीं ले सकते बिकॉज 9 जो है वो 3 के टेबल में डिवाइड होता है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद के टेबल से डिवाइड हो, तो हमें ऐसा नंबर चूज करना है। तो हम देख लेते हैं, हम अपना क्या करते हैं, पहले सैंपल सेट देखते हैं। ये हमारे पास जो है वो टोटल 36 सैंपल सेट हो जाएंगे। ये हो जाएगा 1, 1, 2, 3 ऐसे करके, ये जो है ये हमारे पास क्या, ये हमने अपना सैंपल सेट लिख लिया। ये हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल सेट कितने आ जाएंगे, ये टोटल जो है उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 36। ना हमें क्या बोला है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मीन्स ऐड करके हमें क्या चाहिए, प्राइम नंबर चाहिए। अगर हम ऐड करते हैं 1+1 तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, तो ये जो है ये क्या रहेगा, हमारा प्राइम नंबर रहेगा। यहाँ हमने लिख दिया 1, 1। 1, 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3। 3 भी जो है वो क्या होता है हमारे पास प्राइम नंबर, हमने यहाँ लिख दिया 1, 2। नाउ 3, 1 होता है 4। 4 जो है वो 2 के टेबल से डिवाइड होता है, इसीलिए हम जो है 4 इसको स्किप कर देंगे ये पार्ट को। नाउ 1, 4 1, 4 अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 5, तो ये हम ले लेते हैं 1, 4। 1, 5 क्या हो जाता है, 6 होता है, हम नहीं लेंगे। एंड 1, 6 क्या हो जाएगा, 7, तो हम इसे भी काउंट कर लेंगे। नाउ 2, 1 हमें पता है 3 होता है, हम यहाँ लिख लेते हैं 2, 1। 2, 2 हो जाएगा 4, हम इसे नहीं लेंगे। एंड 2+3 हो जाएगा 5, हम यहाँ ले लेते हैं 2+3। 2+4, 6 2+7 हमारे पास हो जाएगा, 2+5 हमारे पास हो जाएगा 7, हम यहाँ लिख लेते हैं 2+5। एंड 2
2.6 मीन्स अगर हम ऐड करेंगे 2 और 6 को तो 8 हो जाएगा। नाउ अब यहाँ देखते हैं 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, इसे भी स्किप कर देते हैं। 3 प्लस 2 हमारे पास हो जाएगा 5, हम यहाँ लिख लेते हैं 3.2, यहाँ हमने लिख लिया 3.2। नाउ 3.3 हो जाएगा 6, इसको ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 7, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 3.4, ये हो जाएगा 7, तो हमने लिख लिया। 3.5 मीन्स अगर इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8, इसको भी स्किप करेंगे, ये 9 को भी स्किप करेंगे। यहाँ आते 4.1 हमारे पास हो जाता है 5, हमने यहाँ लिख लिया 4.1। एंड 4.2 इसे हम नहीं लेंगे। 4.3 हमारे पास हो जाएगा 7, अगर इसे हम ऐड करते हैं 4+3 कर लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7। 4+4 8 एंड 4+5 9, 4+6 10, 5+1 हमारे पास होता है 6, इसे भी स्किप करेंगे। 5+2 हमारे पास हो जाएगा 7, हम यहाँ लिख लेते हैं 5 2, एंड 5 3 क्या हो जाएगा 8, ये भी स्किप। ये 9 10 11 11 भी जो है वो हमारे पास प्राइम नंबर होता है, हम यहाँ लिख लेते हैं 5.6, अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 11 आएगा, 11 जो है वो प्राइम नंबर है। 6.1 6.1 हमारे पास हो जाएगा 7, हम इसे लिख लेते हैं। 6.2 जो है 8, ये 9 10 11 11 यहाँ पर भी आया, तो हमने क्या किया, अपना प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी लिख ली। नाउ अगर हम इसे ऐड करते हैं, हम क्या करेंगे, सेट करेंगे, सो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हमारे पास कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारे पास 15/36। हम क्या करते हैं, इसे 3 के टेबल से डिवाइड कर देते हैं, 3 5 15, 3 1 3 3 2 6, मीन्स हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 15/12। मीन्स अगर हम डाइस थ्रो ऑन करते हैं तो उसमें जो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी रहेगी वो कितनी रहेगी हमारे पास, 5/12। हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में है हमको, इफ टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, मीन्स हमारे पास लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही है, अगर हमारे पास टू डाइस एक साथ थ्रोन किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन वन डाइस एंड ऑड नंबर एंड अनदर डाइस। हमें क्या बोला है, एक डाइस में हमें क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए, एंड जो अनदर डाइस रहेगा उस पर क्या चाहिए, हमको ऑड नंबर चाहिए। तो ये जो है ये हमने सैंपल सेट बना लिया, ये हमारे पास हो गया सैंपल सेट। अब हम इसे क्या करते हैं, इसे अगर ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट डाइस पे हमको क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए, एंड सेकंड पे ऑड नंबर चाहिए, तो इस पे दोनों ऑड नंबर है, हम इसे स्किप कर देते हैं। 1.2 हम यहाँ लिख लेते हैं 1.2, क्योंकि 1 जो है वो ऑड नंबर है एंड 2 जो है वो इवन नंबर है। 1.3 इसे भी स्किप कर देंगे, आप लेते हैं 1.4, यहाँ हमने ले लिया 1.4। 1.5 भी जो है वो दोनों ऑड नंबर है इसलिए हम इसे स्किप करेंगे। 1.6 हम ले लेते हैं, ये हो गया हमारा 1.6। अब यहाँ देखते हैं 2.1, हम इसे भी ले लेते हैं क्योंकि पहले डाइस पे जो है वो इवन नंबर है, सेकंड पे ऑड है। 2.2 नहीं लेंगे हम, 2.3 ले लेते हैं, हमने यहाँ ले लिया 2.3। एंड 2.4 भी नहीं लेंगे बिकॉज दोनों इवन नंबर है, एंड यहाँ लिख लेते हैं हम 2.5, एक पे इवन है एक पे ऑड है। एंड 2.6 भी नहीं लेंगे बिकॉज दोनों इवन नंबर है। अब 3 पे आते हैं, यहाँ आ जाएगा 3.1 नहीं लेंगे, 3.2 लेंगे, फिर उसके बाद 3.3 को स्किप करके 3.4 एंड 3.6। अब हम इसे क्या करते हैं, ऐसे ही लिखते जाते हैं 5। हमने यहाँ क्या किया, अपनी टोटल प्रोबेबिलिटी लिख ली। अब लिखने के बाद हम इसे काउंट कर लेते हैं, तो हम इसे काउंट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये टोटल 18 है। 18 अपॉन हम क्या करेंगे 36, क्योंकि हमको पता है हमारा जो सैंपल सेट है वो इसे काउंट करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 36। इसे हम कट कर लेते हैं, ऐसे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1/2। तो हमारा जो डी ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब देख लेते हैं हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, इन अ बॉक्स देर आर 8 ऑरेंज एंड 6-7 वाइट एंड 6-2 बॉल्स। हमारे पास क्या है, 8 जो है वो ऑरेंज बॉल है, हमने 4 डाल दिया ऑरेंज के लिए। 7 जो है वो क्या है हमारे पास, वाइट है, हमने यहाँ डाल दिया वाइट। एंड जो 6 है वो क्या है, ब्लू बॉल्स है, हमने यहाँ लिख दिया ब्लू। इफ बॉल इज पिक्ड अप रैंडमली, मीन्स हम कोई भी अचानक में एक रैंडम बॉल उठाते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज नाइदर ऑरेंज और नॉर ब्लू। मीन्स हमारे पास जो बॉल आनी चाहिए वो क्या रहना चाहिए, ब्लू भी नहीं रहना चाहिए और क्या रहना चाहिए, ऑरेंज भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ये जो है ये दोनों प्रोबेबिलिटी हम कट कर देंगे। हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी इन लोग दोनों को कट कर देते हैं, मीन्स अगर ब्लू बॉल है ऑरेंज बॉल को हम कट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ हमारे पास बचने वाला है वाइट बॉल, हमने यहाँ लिख लिया 7। एंड ये कितना हो जाएगा, ये टोटल काउंट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 21। अगर हम 7/21 करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/3। मीन्स हमारी जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो कितनी रहेगी, 1/3 टाइम्स हमारी प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हम जो बॉल पिक करेंगे या जो बॉल उठाएंगे वो क्या रहेगी, नाइदर ऑरेंज रहेगी और नॉट ब्लू रहेगी। नाउ हम देखते हैं अपना सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, अ डाइस थ्रोन ट्वाइस, मीन्स हमारे पास एक डाइस है वो ट्वाइस बार थ्रोन किया गया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि हमारे पास जो है वो नंबर क्या रहना चाहिए, इवन रहना चाहिए, उसका प्रोडक्ट इवन रहना चाहिए, मीन्स हम मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या करना चाहिए, इवन नंबर मिलना चाहिए। हम देख लेते हैं, यहाँ हमने क्या किया, उसकी प्रोबेबिलिटी लिख ली 1.1 से लेके 6.6 तक। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, जो प्रोबेबिलिटी रहनी चाहिए वो क्या है, प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए, उसका इवन नंबर रहना चाहिए। प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलना चाहिए, इवन नंबर। अगर हम 1 × 1 करेंगे तो हमारे पास 1 × 1 आएगा, मीन्स ये ऑड नंबर हो जाएगा।
अगर हम 1 इंटू 2 करते हैं या 2 1 जर 2 1 2 जर 2 होगा, मीन्स ये हमारे पास इवन नंबर रहेगा। यहाँ लिख लेते हैं हम 1.4, बिकॉज 4 1 जर 4 करेंगे तो भी हमारे पास इवन ही नंबर आएगा। अब यहाँ लिख लेते हैं 1.6, 2.1 क्या हो जाएगा हमारे पास 2.1 हो जाएगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो भी हमारे पास हो जाएगा 2, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 एंड 2 2 जो हमारे पास हो जाएगा, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जो हो जाएगा 4, हमने यहाँ लिख दिया 4 एंड 2 3 जो हमारे पास क्या होता है 6 होता है, ये भी हमारे पास इवन नंबर है, हमने यहाँ लिख लिया 2 into 3 हमने यहाँ लिख लिया। एंड अगर हम और देखते हैं तो 2 4 जो 8 हो जाएगा, हम यहाँ लिख लेते हैं 2 4 एंड यहाँ हो जाएगा 2 5, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद नंबर जो है वो इवन ही आने वाला है, तो हमने क्या किया 2 की पूरी सीरीज लिख ली। अब 3 के पास मूव करते हैं, 3 इंटू 1 करेंगे तो 3 1 जो होगा 3, 3 इंटू 2 यहाँ लिख लेते हैं हम, 3 2 जो हमारे पास हो जाएगा 6, हमने यहाँ लिख लिया 3 2 जो 6, 3 इंटू 3 करेंगे तो 9, ये भी हमारी प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी, 3 इंटू 5, 3 5 जो 15, ये भी नहीं रहेगा, 3 6 जो क्या होता है 18 रहेगा, मीन्स हम यहाँ लिख देते हैं 3 इंटू 6, क्योंकि ये हमारे पास प्रोडक्ट इसका आने वाला है इवन नंबर। अब देखते हैं 4.1, 4 1 जो हो जाएगा 4, 4 जो है वो भी क्या रहेगा हमारे पास इवन नंबर ही रहने वाला है, तो हम ये पूरी 4 की जो है वो सीरीज लिख लेते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं 4.1 से लेके 4.6 तक। अब मूव करते हैं अपने 5 की तरफ, 5 इंटू 1, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 2 जो हो जाएगा हमारे पास 10, हमने यहाँ लिख लिया 5 इंटू 2, 5 इंटू 3 करेंगे तो 15, ये ऑड नंबर है, 5 इंटू 4 करेंगे 5 4 जो हो जाएगा 20, 5 6 जो हो जाएगा 30, हमने यहाँ लिख लिया 5 इंटू 6, 6 1 जा हो जाएगा हमारे पास 6, हम यहाँ लिख लेते हैं 6 1 जा 6 एंड 6 2 जो हो जाएगा 12, मीन्स हमारे पास जो 6 की पूरी जो सीरीज है वो क्या है इवन नंबर ही रहने वाली है, हम यहाँ लिख लेते हैं 6 इंटू 4, 6 इंटू 5 मीन 6.5 एंड 6.6, हमने यहाँ क्या किया अपना नंबर लिख लिया। अब इसे काउंट कर लेते हैं, अगर हम इसे काउंट कर ले तो ये हमारे पास आ जाएगा 27, 27 अपॉन ये हो जाएगा 36, अगर हम इसे डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 9 जो 27 एंड 3 1 जो 3, 3 2 जो 6, नाउ अगर फर्दर डिवाइड करेंगे हो जाएगा 3 3 जो 9, 3 4 जो 12, मीन्स हमारा आंसर आ जाएगा 3/4, यानी हमारा जो ऑप्शन डी रहेगा वो क्या है करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया सपोज अ नंबर एक्स इज chosen from the numbers -2, -1, 0, 1 and 2, what will be the probability of x square is greater than 0, means अगर हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है तो हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी अगर हम x का स्क्वायर करते हैं तो वो ग्रेटर देन 0 आएगा, अगर हम -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर जो होता है वो 2 होता है, ये जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मीन्स एक एलिमेंट आ गया। दूसरा एलिमेंट हमारे पास रहेगा -1, हम यहाँ लिख देते हैं -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, +1 भी जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, देन 0 लेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा जो कि इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 नहीं है तो हम इसे स्किप कर देते हैं। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 1 एंड 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4, मीन्स हमारे पास अगर हम ये चारों नंबर को काउंट करते हैं तो हमारे पास जो सेट आने वाला है, अगर हम इसे ए ले लेते हैं हमारा ए इवेंट आएगा 4 एंड टोटल इवेंट हमारे पास जो दिया हुआ है या सैम्पल सेट दिया हुआ है वो 5 है, 1 2 3 4 5, 5/4 कर देंगे, ये डिवाइड तो नहीं है फ्रिक्शन में दिया है तो हम इसे ऐसे ही रहने देंगे, यानी हमारा ऑप्शन डी जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। अब देखते हैं अपने 8th क्वेश्चन को, 8th क्वेश्चन में हमको दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस फ्रॉम अ पैकेट ऑफ 52 कार्ड्स, मींस हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास जो वो कार्ड रहेगा वो किसका रहेगा, हमारे पास एक का कार्ड रहेगा या एस का कार्ड रहेगा। सो हमें पता है अगर हम देखें तो 52 पैक्स में जो होता है वो क्या टोटल जो होता है वो 4 एस के कार्ड होते हैं, मीन्स ये हो जाएगा 4/52, 4/52 कर देंगे हो जाएगा 4 1 4, 4 1 4 ये हो जाएगा 4 3 12, मीन्स हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आने वाली है वो कितनी आने वाली है 1/30। हमें पता है हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो 26 रेड कार्ड एंड 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, रेड कार्ड में हार्ट और डायमंड होता है और ब्लैक कार्ड में क्लब और स्पेड होता है, उसमें क्या होता है हर कार्ड में हमारे पास एक एक जो है वो इसके कार्ड होते हैं, तो हमारे पास अगर हम टोटल काउंट करेंगे तो हो जाएगा 4/52 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/13। हम अपना 9th क्वेश्चन देख लेते हैं, 9th क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी एग्जिस्ट, मीन्स ऐसी कौन सी प्रोबेबिलिटी ऑप्शन में है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। हम देख लेते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन को, ऑप्शन वन में दिया हुआ है हमें 2/5, मीन्स अगर हम 2/5 को डिवाइड करते हैं हो जाएगा 5 1 5, 2 जो है 5 के टेबल में नहीं आता तो हम यहाँ 0 लगा के पॉइंट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0, ना ये हो जाएगा 2 4 5 4 हो जाता है 20, मीन्स हमारे पास आंसर आ गया 0.4, 0.4 क्या है 0 से 1 के बीच में लाई करता है, मीन्स हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। सेकेंड देख लेते हैं, ये है -1/1.5, हमारी जो प्रोबेबिलिटी वो हमेशा क्या होनी चाहिए 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए, मीन्स हमारा ऑप्शन 2 जो है वो क्या है रॉन्ग है, यानी हमारा जो ऑप्शन 2 रहेगा वो राइट ऑप्शन रहेगा हमारे पास, क्योंकि वो क्वेश्चन में रॉन्ग दिया हुआ है और वही पूछा था कैनॉट बी एग्जिस्ट, तो -1/5 जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं होगा। ने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है वो है अ कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, मीन्स हमारे पास जो 52 कार्ड्स है वो ड्रॉन किए गए
क्या है हमारे पास, क्वीन का कार्ड कितनी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि जो कार्ड आए वो क्या है, क्वीन का कार्ड है। तो हमको पता है अगर हम देखें तो कार्ड्स में से हमारे पास ये हो जाता है 26 एंड 26। इसे भी हम फर्दर 13 13 में डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 13 13 कार्ड्स। और हर कार्ड्स में क्या होता है, इसमें हमें पता है इसमें जो है एक जो है वो क्वीन का कार्ड होता है, इसमें भी रहेगा, इसमें भी रहेगा एंड इसमें भी। मीन्स हमारे पास टोटल क्वीन के कार्ड हो जाते हैं 4 अपॉन, ये आ जाएगा 52। 4 अपॉन 52 करेंगे तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 1 अपॉन 13। तो हमारा जो ऑप्शन डी रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल हियर, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझा होगा। अगर आप लोगों को समझा है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।